ये जो पीकाबू वाला बच्चा है ये उठा 9:30 बजे टना से बैदा बुलाई दे वो नजर गई रे गुइया। गर्मी इतनी है तो फुल स्लीव टी शर्ट क्यों पहना है? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। दीदी सो गए? हाँ दीदी। नहीं दीदी दादा बाय करो पहले। दादा बाय। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल LOL। थैंक यू सो मच हमारे ईद वाले व्लॉग को इतना सारा प्यार देने के लिए। ईद क्या, सारे व्लॉग्स को इतना सारा प्यार देने के लिए। बस अभी मैंने ये शुरू किया है कि अब से मैं भी मॉर्निंग वॉक पे जाया करूँगी। वैसे तो 10 बजे है लेकिन इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हर्ष निकल गया था सुबह शूट के लिए। ये जो पीकाबू वाला बच्चा है ये उठा 9:30 बजे। चलो गोले सबको बोलो जय श्री कृष्णा, हरे हरे शंभू शंभू। सो गाइज अब जा रहे हैं हम गोले के दादा दादी के घर इसको छोड़ने नीचे, ताकि वो नीचे इसको गार्डन में वॉक कराने लेके जाएंगे। और वजंती माला पुरानी फिल्म की हीरोइन ये भी साथ में जाएंगी। ब्लैक एंड वाइट ही हो गई दीदी, ईद के बाद ब्लैक एंड वाइट ही हो गई। अब दोस्तों अगली ईद तक कलरफुल देखने के लिए रूपा दीदी को आपको वेट करना पड़ेगा, वरना ऐसी ही नहीं। दिवाली में करूंगी ना। हैं? दिवाली में साड़ी पहनना दीदी। ओके दीदी, साड़ी मैं भी पहनूंगी, गजरा वजरा मस्त लगाएंगे, है ना। अब अच्छा लगता है यार, बच्चा भी है घर में और दिवाली में बिल्कुल अलग ही। हाँ दीदी भी है, मतलब ऐसा है कि अब घर में लड़कियां हैं तो मुझे ऐसा लगता है हाँ ये थोड़ा पकड़ लेंगी, यहाँ से पिन लगा देंगी। तो सो मैं आ गई हूँ नीचे से वॉक करके। जिस दिन मैं वॉक करती हूँ और मैं अपने आप को कहती हूँ कि मैं कल से फिर आऊँगी, लेकिन इतनी गर्मी है गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ। सो, आज मैंने मुन्ना से एक मिट्टी का बर्तन मंगाया है जो मैं बालकनी में रखूँगी पानी भर के, क्योंकि बहुत गर्मी है और पंछी बेचारे पानी के लिए इधर उधर ढूंढते रहते हैं पानी, तो मैं ज़रूर रखूँगी। अब चाहे बाहर जाऊँ चाहे शूटिंग में जाऊँ, मैं ब्लॉग ज़रूर करूँगी और कोशिश करूँगी कि रोज़ के रोज़ आपको ब्लॉग दिखे। नहीं हुआ तो फिर माफ़ कर देना, आप समझते हैं ना मैं एक माँ हूँ अब। और अब 11:15 हो गए हैं, नाश्ता अभी तक नहीं दिया मुझे शीला ने। मुझे सुबह सुबह बड़ी भूख लगती है। तो शीला मेरे लिए लाई है पालक का पराठा, अचार, ब्लैक टी और जैगरी पाउडर, और साथ में मैं ये स्प्राउट हैं ये, लेकिन लग नहीं रहा ये भी। मैंने इसको बोला था इसको कम पकाना, हरा हरा रहने देना। तो ये मेरा नाश्ता है और मैं अभी खाऊंगी, बस इतना ही खाऊंगी। एक अचार तो मुझे चाहिए ही चाहिए। और हम लोग क्या, मुझे लगता है कि पंजाब में ही जितने भी लोग होते हैं हम लोग को कोई डोसे के साथ अचार दे दें हम तब भी खा लें, ब्रेड के साथ हम अचार खा लेते हैं, बड़ा मज़ा आता है। बहुत मट्ठी के साथ अचार खा लेते, जो बड़ी बड़ी करवा चौथ पे मट्ठियाँ मिलती है ना, मीठी वाली और फीकी वाली, जो फीकी वाली होती है वो चनों के साथ भी खाते हैं और अचार लगा के भी खाते हैं, चीनी डाल के भी खाते हैं। और शीला ने कहा कि दीदी क्या मैं इस पे धनिया डाल दूँ ताकि मुझे ज़्यादा भूख लगे। वाह, तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट। थैंक यू शीला। शर्मा गई। शीला ने खुद खा लिया हुआ इसीलिए हंस रही है, वो पहले ही खा लेती है। ब्रेकफास्ट पे अटैक करते हैं। सो, 2 या 3 दिन पहले आपने ब्लॉग में देखा होगा कि हम लोग बाहर फंस गए थे, लॉक अट गया था, तो वो दरवाज़ा आज लॉक बनवाना है यार, क्योंकि एक ही लॉक है। तो आज, और आप लोग को भी पता चल गया कि एक ही लॉक है, आज 2 लॉक लग जाएंगे। मुन्ना आया है, कारपेंटर दादा भी आए हैं, मतलब आज फिर से गंद पड़ेगा। मुन्ना कितना टाइम लगेगा इसको? 10-15 मिनट। मुन्ना तू कर रहा है ये? नहीं कर रहा है। ये कपड़े कहाँ से गंदे हुए? एक मिनट लाइट जलाने दे। क्या है ये? हाय, ये कहीं से गिर गया है? नहीं, ये दाग है मुन्ना। वो गलती से डाल दिया था वो। क्या हो? अल्लाह अल्लाह। इसने क्या किया गाइस, इसने क्या किया, इसको लगा कि आला जो होता है ना दाग हटाता है वाइट कपड़ों में से, इसको लगा कलरफुल से, इसने कलरफुल पे कितने ढक्कन डाला? ये थोड़ा सा ही डाला था लेकिन पूरा फैल गया। ये दो मुन्ना ऐसे लगा किसी 4-5 लोगों ने पान खा के एक साथ सामूहिक थूका है तेरे पे।
और मुन्ना तू 26 साल का है, 26 साल के लड़के में होता ना कि जेल वेल लगा के अंदर शर्ट वर्ट पहनूं या थोड़ा हैंडसम बनूं। ये देखो इसका कोई उमंग ही नहीं, स्टाइल बना दिया इसको, कोई तरंगी, और इतनी चप्पल पहनी मुन्ना ने कि पूरी लाइन बन गई। ये देखो मुन्ना, अभी तू नंगे पाँव भी जा सकता है, दूर से लगेगा तूने चप्पल पहनी है। मैं बताना चाहूँगी मुन्ना उधर है, मुन्ना के बारे में, इतना भोला, इतना अच्छा, इतना मेहनती है, मैं क्या बताऊँ आपको। उसको बोल दो ना कि मुन्ना, भैया ने बोला कि ये करना ये करना, वो काम हुआ होगा। मुन्ना को आप 2:30 बजे 3 बजे 4 बजे जब मर्जी बुला लो वो उठा रहता है, बट हाँ कभी कभी उठता नहीं जब फ़ोन साइलेंट करके सो जाता है। और मुन्ना पता नहीं अजीब, मतलब हंसता रहता है, खुश रहता है, उदास होता है मुझे पता चल जाता है, क्योंकि मैं तुरंत ही उसकी इंस्टाग्राम पे स्टोरियाँ देख लेती हूँ। वो उड़िया गाने में उसने रो रो के बनाई होती हमको पता चल जाता है कि ये उसका ब्रेकअप हुआ और ये उदास है, बट बहुत हेल्पफुल है, बहुत मेहनती है मुन्ना। 12 बजे मुझे हर्ष का लंच रेडी करने के लिए किचन में जाना है, सो जो मेरा फेवरेट काम है, मुझे किचन में लंच, किसी को कोई बोल दे मुझे कि तेरे हाथ का ये बहुत अच्छा है, बस मैंने वो बना बना के उसको इतना खिलाना है जब तक उसका मन नहीं भर जाएगा ना, ऐसे ना होने लग जाए ना, मैं वो चीज़ खिलाती रहती हूँ। तो आजकल हर्ष को मेरे हाथ के दम आलू बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं थोड़ा दही वही डाल के ग्रेवी वाले आलू बनाती हूँ, छोटे छोटे आलू मिलते हैं। मॉर्निंग में क्या चाहिए हर्ष? पालक पराठा, दम आलू, पालक पराठा, दम आलू। मुझे लगता है कि मैंने तो हर्ष को 2-3 दिन से देखा ही नहीं, क्योंकि अब मैं देखूंगी बिना शर्ट के कहीं यहाँ तक हराना हो गया हो, क्योंकि इतने उसने पराठे खा लिए पालक के, मुझे लगता है कि धीरे धीरे हर्ष लिम्बाचिया नहीं, हर्ष हरिया हो जाएगा एकदम हरा। तो हालत मेरी देख रहे होंगे अब, आपको तो पता ही है भारती सिंह हमेशा शाम को नहाती है। तो यार मेरे को है कि लॉक जल्दी लगे और मैं तारे वारे हटे और मैं दरवाज़ा बंद करूँ। हेलो दादा, कारपेंटर दादा, कैसे हो? अच्छा सुन, मेरा ब्लॉग देखते हो? देखता हूँ मैं। नहीं झूठ बोल रहा है। नहीं ये डर के मारे बोल रहे, खुशी से दिल से नहीं बोला। नहीं नहीं, कसम खाओ। कसम खा रहा हूँ, देखता हूँ। किसकी कसम? अपनी कसम खा रहा हूँ। कौन सा गाँव है आपका? बिहार। बिहार। सो अगर ये दादा ने मेरा ब्लॉग शेयर कर दिया बिहार में, तो मैं बिहार में भी फेमस हो जाऊंगी। दादा मैं बिहार जाऊंगी तो लोग मुझे पहचानेंगे? पहचानेंगे। सच्ची बताओ? सच्ची बोल रहा हूँ, पहचानेंगे। उधर कॉमेडी शो आते हैं? आते हैं। अच्छा मतलब ये कलर, जी टीवी, सोनी टीवी आता होगा सब? ओके। बिहार में कहाँ से हो आप? मैं पटना से। पटना से पैदा बुलई दे, ये गाना है ना? पटना, पटना से पैदा बुलई दे, सोचा था कि आज अच्छे से व्लॉग बनाऊंगी। ये देखो मैंने ये सब लगाया था, ये सब हिल गया है, मेरा होप भी हिल गई है, मैंने ट्राई करना भी हिला दिया है, ड्रीम भी हिल गए मेरे, और बिलीव शायद नहीं हिला। घर का जो हाल हुआ हुआ है ना, क्या बताऊं। Few moments later. So guys, गर्मी बहुत ज्यादा है, गोला फिर से नीचे जा रहा है सास ससुर के, यानी कि दादी के घर वाट लग गई, और हम बातों बातों में लगे रहे, और ये दादा हमें नीचे ले गए, और इस दीदी ने भी नहीं बोला उनको, और ये दीदी ने भी नहीं बोला, पहुंच गए दादी के घर। बाय दादा, दादा बाय, दादा बाय करो पहले, दादा बाय, दादा बाय। क्या हाल हुआ हुआ यार मेरे घर का। यार मुझे नहीं पता था कि एसी सर्विस कराओ तो पूरे घर की सर्विस हो जाती है। करवा लो जिसके घर की एसी सर्विस नहीं हुई। हाँ भैया हो गया, इधर आओ जरा। तुमने कहा था कि 1.5 घंटे में हो जाएगा। ठाकुर काम से गियो। ये 2.5 घंटा क्यों लिया? क्या लग गया? किस पे खुजा क्यों रहे हो बताओ सही? ऐसे कस्टमर को 1.5 घंटा बोल के 2.5 घंटा नहीं लगाना नेक्स्ट टाइम, ठीक है? हाँ, और गर्मी इतनी है तो फुल स्लीव टी शर्ट क्यों पहना है? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। बस ऐसे ही, ठीक है। गाइस अभी तक घर की सफाई नहीं हुई और वो एसी वाले अभी गए हैं,
पर अभी उथल पुथल कर गए घर के। सच में मैं कह रही हूँ, आज तो भैया 4 बज गए शाम के पर अभी तक घर साफ नहीं हुआ, मैंने खाना भी नहीं खाया। और सफाई होनी भी ज़रूरी थी क्योंकि एसी कूलिंग कम कर रहा था। चलो देखती हूँ बाहर जाके शीला ने क्या किया। सो दीदी को देखते ये क्या करती है, पक्का सो रही होगी दीदी गोले के साथ। सो नहीं रही थी दीदी, जाग रही थी। ये कैसे हो गया, वरना हमेशा जब भी मैं जाती हूँ गोला कॉट में सो रहा होता और दीदी कुर्सी पे बैठे, और जब कहो दीदी 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 सो गए, हाँ दीदी नहीं दीदी मैं जाग रही थी, ऐसी आंखें मैं जाग रही थी ऐसे करके, मैं कहा शरेआम सो रहे थे आप, मैंने वीडियो भी बनाया, मानती नहीं है। नहा लिया है, पूरे घर की सफाई हो गई है, काजल लग गए हैं, लिपस्टिकें लग गई हैं, अब जाके मुझे शांति आई यार नहा धो के। इतना गंद घर में, एक्चुअली एसी की सर्विस हुई थी लेकिन उसके साथ मुझे लगा मेरे दिमाग की सर्विस भी हो गई, सोफे के पीछे भी, उसके पीछे भी, ये पंखे भी, सब करवा दिया आज। और मुझे ऐसे लग रहा कल दिवाली है, इतना घर साफ लग रहा है। तो थैंक यू सो मच मेरे घर की पूरी सफाइयाँ देखने के लिए और मेरा साथ देने के लिए, थैंक यू सो मच। कोशिश कर रही हूँ डेली करने की, बस डेली जो होता है वो आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि पहले होता था 2-3 दिन बाद ब्लॉग आते थे तो 3-4 दिन की मस्ती होती थी, वो एक बन के अच्छी लगती थी। लेकिन अभी क्या रोज़ होता तो रोज़ भाई ज़रूरी नहीं भारती सिंह का ब्लॉग हो तो हमेशा उसमें मस्ती मजाक हो, सीरियस भी होता है, कभी पेट भी दुख रहा होता, कभी बच्चे के भी दांत निकल रहे होते वो भी क्रैंकी होता है, वो सब दिखाऊंगी, सब देखोगे आप लोग अभी, रोज़ बोला है ना करने को, अभी रोज़ देखो। सो थैंक यू सो मच, जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, वही होता है ना, ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले आ जाए जब भी मेरा ब्लॉग आए। थैंक यू। सफाई करा करो घर की यार, बड़ा कूड़ा निकलता है, बेड के इधर उधर देखो जरा, करवाओ सफाई।